तो जैसा मैंने बताया आपको, हम अगले भाग में उधर तालाब की ओर जाने वाले, पहाड़ी के नीचे की तरफ, तो उधर का शूटिंग करके दिखाने वाला हूँ मैं आपको। तो ले चलता हूँ सीधे यहाँ से जंगल में होते हुए, ये ही कोई मेले के प्रांगण से उधर उत्तर की तरफ है वो तालाब। इस जो पहाड़ी है इसको, उसके उत्तर की तरफ वो तालाब है जहाँ पर हम जाने वाले हैं अभी। और ये मुआयना आ गया, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त एक पौधा आ गया है और यहीं से हम पलटने वाले हैं उधर, मतलब वो जो है ना जहाँ पर वो तालाब बना हुआ है वहाँ तक हम जाएंगे। तो अंदर जाके दिखाने वाला हूँ मैं आपको कि वो तालाब कैसा है, क्योंकि एक्चुअली ये तो मेला ही दिखाना था मुझे, लेकिन ये लोग, बच्चे जो साथ में थे, दोस्त लोग, तो ये बोल रहे कि यह तालाब भी देख लोगों को। तो मैं कहीं पहले गया था, बहुत बार पहले, तो मुझे पता नहीं है, तो दिख गया यहाँ से तालाब हमको वो वाला, तो वहाँ हमको जाना है अभी नीचे की तरफ। तो मैं दिखाता हूँ आपको, नीचे झाड़ियाँ बहुत है तो बड़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे हम जाने की। तो चलते हैं, और जैसे हम वहाँ जाएंगे तो हमको पानी को टच करके दिखाने वाला हूँ मैं आपको कि यार हम यहाँ आ चुके हैं बड़ी मुश्किल के बाद। बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, देख के चलना पड़ेगा क्योंकि ड्रैगन्स वगैरह और बहुत सारे जानवर हो सकते हैं, काइट्स वगैरह, तो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए बहुत ही सेफ्टी रख के जाना पड़ेगा। लेकिन अब जाना है तो जाना है ना यार, देखना है तो बस जाना ही है। चले चलते हैं, ले चलता हूँ। चलिए उससे पहले मैं कुछ पहाड़ियाँ दिखा देता हूँ आपको, नीचे गुफाएँ आ गई यहाँ पर कुछ देखने जैसी, तो दिखा देता हूँ। ये पत्थर को काट के बनाई गई है, देख लीजिए अंदर बहुत घना, आओ देख लीजिए आप, अंदर अंदर जाने से डर लगता है यार, ऊपर से टूट गया ना पत्थर तो बस, लेकिन टूटता नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराने हो गए हैं। तो यहाँ पे कुछ डिजिट लिखे हुए हैं, नंबर 48 लिखा हुआ है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको कि शायद ये 48 नंबर की गुफा का नाम दे रखा है। और भी जो गुफाएं हैं वो अभी मैं इस पर रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, इधर आया था घूमने के लिए, तो तालाब देखने आया था एक्चुअली, लेकिन वो दिखाया मैंने ऊपर आपको। तो यहाँ पर 48 गुफा का नाम दे रखा है, डिजिट डाल रखी है कि 48 नंबर की गुफा है, तो देख लीजिए, लाई दिखा रहा हूँ तो देख लीजिए। और इधर घूमने आया था तो दिख गया थोड़ा, तो मैंने कहा चलो दिखा देते हैं, अच्छा दिखा, मैं कभी आया नहीं था इधर। ये देख लीजिए छोटी गुफा है, बहुत अच्छी, अंदर तक ले जाता हूँ आपको, कैमरा जूम करके दिखा देता हूँ, देख, वाओ, अंदर कुछ मिट्टी जैसा है और कुछ पौधों की जड़ें अंदर अटकी हुई है, तो अलग ही टाइप का लुक बन रहा है, इस तरह का है। तब तालाब की तरफ निकलना है, देख लीजिए आसपास की हरियाली, बहुत ही वाइल्ड है एकदम नज़ारा, कुछ ऐसा है यार, 21% ऑक्सीजन मिलती पूरी की पूरी, कोई कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही नहीं बिल्कुल यहाँ पर। और छोटे छोटे पक्षियों की आवाज़ इतनी ज़बरदस्त, भैया बाहर आ जाए यार, चलिए चलते हैं अब। झाड़ियाँ बहुत खतरनाक है यार, वाइल्ड टच हो गई थी मेरे, लग गई थी अभी, खुजली चलने लगी मुझे, ओहो पिसल जाएगा भैया, धीरे से स्लिप हो रहा है यहाँ पर, गीला है अभी, ओहो झाड़ियाँ अलग करनी पड़ेगी अभी, कहाँ जा रहा है तो घुस जाएगा अंदर, कितना कुछ जानवर वगैरह डर रहता है ना, कुछ एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स। इधर की तरफ जाना है तो बहुत ज़बरदस्त झाड़ियाँ हैं, तो थोड़ा अलग करके जाना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं। चलिए इस तरह से जाया जा सकता है, थोड़ा जानवरों का ध्यान रखना पड़ेगा यार, वो बहुत डेंजर स्थिति है, और देखिए किस तरह से, आ हा 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 हा, ठीक से आना भैया, कुछ इधर उधर से ड्रैगन्स नहीं आ जाए, ड्रैगन्स नहीं आ जाए, वरना पता नहीं चलेगा कि किधर गए थे, तालाब देखना बड़ा महंगा पड़ जाएगा, लेकिन अच्छा है निकल तो पाएंगे कम से कम, इतना रास्ता तो है। ठीक है, एक दो झाड़ी थी और आ गए यार, हमने किसी से पूछा था कि यार भैया जा पाएंगे क्या, तो उसने बताया कि जा पाओगे यार सर, अभी एक दो झाड़ी कुल आएगी उसके बाद जा पाओगे। वाह देख लीजिए नज़ारा कितना गजब का, हम तालाब के बिल्कुल पास आ चुका, हवा इतनी गजब की आ रही है, मज़ा आ गया यार, हम ऊपर से देख रहे थे यार कि आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन वास्तव में आ पाए हम लोग, और बहुत ही गजब का घुमा देता हूँ मैं इधर, देख लीजिए ये तालाब बना हुआ है छोटा सा, भैया दूर रहे थोड़े बहुत, कुछ जानवर होगा पास में, इतना पास में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर पानी को टच कर सकते हैं आप, छोटा सा तालाब है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लोकेशन। तो ये पानी के पास आ चुके हैं, नज़दीक हम एकदम पानी को छू सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर पानी जो है गर्मी में भी इकट्ठा रहता है, तो जो पशु होते हैं ना, गाय भैंसे वगैरह चरने के लिए आती है, तो पानी और भी बहुत सारे जानवर होते हैं ना, वाइल्ड एनिमल, तो पीने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है पानी, तो आराम से पी लेते हैं और अपना जीवन बसर करते रहते हैं, अच्छा है वैसे। और यहाँ से गर्मी में छोटे मोटे स्रोत में भी पानी जाता होगा, क्योंकि तालाब अच्छा है छोटा,
बिल्कुल बीच वो बीच है पहाड़ी के, तो इधर भी जाता होगा उधर भी जाता होगा, पानी इकट्ठा तो होता होगा। जो मंदिर के पास कुएं है शायद, हो सकता है उसका कनेक्शन इसी तालाब से बना हुआ हो। जो मंदिर के अंदर जो कुएं दिखाई गई है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, मंदिर के जस्ट पास वाली कुएं, जो अक्सर हम सस्पेंस में रहते हैं कि यार इतना पानी कहाँ से आता होगा, एक कुएं किसने बनाई हुई, गहराई कितनी है क्या पता, उसमें भी पानी ऐसे जाता हो सकता है। और ये जो झाड़ियाँ दिख रही है बहुत बढ़िया, इसको रोकड़ी बोलते हैं हमारे इस माली भाषा में, बेशर्मी बोलते हैं इसको, जहाँ डालोगे वहीं चल जाती है। तो हम अक्सर हमारे कुएं की तरफ भी बहुत सारी है, ये तो हमने दिखा रहा हूँ यहाँ पे दिख रही है मुझे, यहाँ पर मुझे बहुत दिनों बाद दिख रही है, मैं उधर कुएं की तरफ भी सूखने गई है ये वाली, तो यहाँ पर दिख गई तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैंने दिखा दिया आपको। तो इस तरह की सिचुएशन है, बहुत सारी गायें और भैंस वगैरह भी चल रही है। तो चलिए वापस बैक कर लेते हैं, अब हमने ले लिया तालाब का शूटिंग और यहाँ से हमने बहुत अच्छा सा वीडियो शूट कर लिया है, और अब हम ऊपर की तरफ जाने वाले, कितनी मुश्किल से नीचे आए थे, वही झाड़ियों का सामना फिर वापस से करना है हमको, थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा यार, क्योंकि यहाँ पर जानवर बहुत सारे ड्रैगन्स वगैरह रहते हैं, तो थोड़ा देख के चलना पड़ेगा ना झाड़ियों में, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है ना कुछ भी यार, कुछ भी किया हो सकता है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा धीरे से चलना पड़ेगा। और देख लेते हैं किस तरह से सिचुएशन क्रिएट करके चलते हैं। देखिए फूल इस तरफ देखिए यार, बहुत जगह सबके फूल थे यार, इसको छोड़ के जा रहा था लेकिन अभी कैप्चर कर लेता हूँ, दिखा लेता हूँ कितने बढ़िया, आ हा हा हा, बहुत खुशबू भी आ रही है, इस तरह की वाइल्ड है यहाँ पे। ये सफ़ेद वाले अलग टाइप के दिखते हैं, और वो जो पिंक वाले थे ना लाल वाले, उसकी बात ही अलग, कुछ उनकी खुशबू अलग टाइप की रहती है, नशीली एकदम, तो ज़्यादा नशा भी ना करें, झाड़ियाँ लग जाती है ना। ओहो हो, थोड़ी दौड़ लगा लेते हैं यार थोड़ा, वाओ यार बहुत ही इंटरेस्टिंग बन गया, हाय 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 हाय, देख लीजिए टॉप पे आ गए हम यहाँ पे, थोड़ा अभी आधा ही आए, अभी ऊपर जाना, सांस फूल गई इसलिए थोड़ा रिलैक्स, रुक जाते हैं यार, ठोकरने लग जाए यार भैया, संभल के चलना वरना नीचे दांत टूटने की संभावना रहती है, पत्थर बहुत खतरनाक है, और मिट्टी तो अच्छी है लेकिन पत्थर बहुत डेंजरस है यार, लग जाती तो चोट तो खून निकलना स्वाभाविक है। भैया इतने जंप लेने की ज़रूरत नहीं, आराम से चलो यार, ऊंचाई बहुत है यार, थोड़ा सा जंप तो लेना पड़ता है ना यार, लेकिन ज़्यादा मत लीजिए क्योंकि हड्डी फसली टूट सकती है, थोड़ा आराम से चलने की कोशिश कीजिए। देख लीजिए यहाँ से तालाब का नज़ारा, और वहाँ पास जाके दिखाया था मैंने आपको, बहुत ही डेंजरस नेचुरल लोकेशन, जो कि जस्ट अभी मैंने दिखाया आपको वहाँ पे तालाब जाके, तो ये जो पेड़ आ गया यहाँ पे, थोड़ा टॉप पे आ गए हम लोग, और वो तालाब जो बिल्कुल समीप जाके दिखाया था, यहाँ भी बहुत पत्थर है यार, बहुत डेंजरस पत्थर है, और टूटे हुए रास्ते में चल भी नहीं सकते, जंप लेना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। देख लीजिए आसपास के एरिया, इधर की बहुत बढ़िया ज़बरदस्त पहाड़ी है, दिखा देता हूँ हिल आपको, उस हिल के नीचे जस्ट समीप लगा हुआ है वो तालाब छोटा सा, तो गर्मी में भी पानी रहता है उसमें, और जो मंदिर के अंदर कुएं बनी हुई है तो शायद इसी से पानी आता होगा ऐसा मेरे को लगता है, लेकिन देख लीजिए आप भी सजेस्ट कीजिए कि वास्तव में आता होगा। और इसके आगे भी और नेक्स्ट तालाब है, बहुत सारी पवन चक्कियाँ लगी हुई, देख लीजिए उधर दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो गर्मी बहुत लगने लगी, और अब मेले का आनंद लेना है अंदर क्राउड में, तो दिखाता हूँ आपको अंदर जाके मेले के अंदर, अभी हम टॉप पे आ गए, यहाँ से तालाब दिखाने के लिए आया था सिर्फ आपको। चलिए बैक कर लेते हैं वापस, चलो चलते हैं, लेट्स गो। प्रसाद आ गई है यहाँ पे, जंगल में प्रसाद मिल रही, देख लीजिए आप, हमारे कोई दोस्त भाई साहब हैं वो लाए हैं यहाँ पे नारियल, बहुत टेस्टी है, कई दिन हो गए थे नारियल की चटक खाएं यार, मज़ा आ गया मंदिर में गए थे लेकिन हम तो लाए नहीं, क्राउड बहुत था ना यार वहाँ पर, अंदर जा नहीं पाए थे तो बस ऐसे ही आ गए थे घूम फिर के, अच्छा है।
यहाँ पे एक मंदिर है वो मैं देखने जा रहा हूँ, नीचे की तरफ दिखा देता हूँ आपको किस तरह का है। वाओ वाह, मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अभी तो नारियल होता है ना, हाँ 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 इतना बड़ी गजब की है, चलना बड़ा ठीक से पड़ता है, मिट्टी भी बहुत अच्छी है और पत्थर इतने गजब के। लोकेशन देख लीजिए आप, पेड़ कितने मतलब खड़े हुए हैं और बड़ी बड़ी गड्डियाँ निकल चुकी है पत्थर की, इधर से नीचे की तरफ से जाने वाले। अगर थोड़ा सा भी सैलाब होता है ना तो समझ लो कि गए। कभी मैं पूरा सर्च करूंगा ना तो पूरा का पूरा आपको दिखाने वाला हूँ। अभी मेले की दृष्टि से आए थे हम लोग यहाँ पे, तो सिर्फ और सिर्फ मेले का इन्जॉयमेंट ही दिखा पाऊँगा, अभी मैं ज़्यादा कुछ करने वाला नहीं हूँ। लेकिन जब मैं स्पेशली इस पर मूवी सेट करूंगा ना तो फिर पूरी तरह से दिखाऊंगा आपको कि ये कितना इन्जॉयमेंट। तो ये पत्थर है, बहुत ही तराशा हुआ पत्थर है गजब का। और मैं पहले इधर आया नहीं था कभी, लेकिन आजकल देखने के लिए आ गया हूँ यहाँ पे मैं थोड़ा घूमता हुआ। तो बहुत वाओ, देख लीजिए अंदर की तरफ गलियारे जैसा है ग्राउंड, कुछ सिंबल्स लगे हुए अंदर त्रिशूल के, दिखा देता हूँ अंदर चल के देख लीजिए। और बहुत ही अलग ही लोकेशन महसूस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, पत्थर है ऊपर और अगर गिर जाता है तो हम गए कब से, तो इतना ज़्यादा अंदर भी नहीं जा रहा चाहिए, जल्दी से निकल जाना चाहिए वरना कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो थोड़ा सा ठीक से चल लेना चाहिए और ज़्यादा देर अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि कभी भी हलचल हो सकती है, तो पता नहीं कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। चलिए हाँ, कुछ नीचे गिर गया है यहाँ पे, ये बारिश की वजह से नीचे गिर गया पेड़, तो सूख गया है लेकिन नहीं नहीं अंदर कोई ज़रूरत नहीं, चला जा। इस तरह का है सिचुएशन, देख लीजिए दिखा रहा हूँ आपको। ये जो मंदिर की आकृति है ना, ये जो है नेचुरल यहाँ पे इस पर तराशी गई है पत्थर पे, बहुत ही प्राचीन है, बुद्धकालीन गुफाओं के नाम से प्रसिद्ध है ये दमनार की गुफाएं, उसी में से ये एक है जो इधर पूरी पहाड़ी को दूसरी तरफ वो जो बाजू है उस तरफ से जब जिधर से हम आए थे उधर से पीछे की तरफ है, ये तालाब की तरफ इधर जाते हैं तब, तो सारी की सारी जो है पत्थर को काट के तराशी गई है सारी की सारी। तो ये देख लीजिए किस तरह की बनी हुई है, यहाँ पे हम पूजा पाठ करते हैं, लोग आके श्रद्धालु जो आते हैं देखने के लिए तो अपनी अपनी मनोभावना प्रकट करते हैं, आप भी कीजिए कभी आके डायरेक्टली देख के, मज़ा आने वाला है आपको भी। चलिए चलते हैं, बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पे, देख लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त नीम का पेड़, इस पे बेल कैसे चढ़ी हुई है देख लीजिए आप, बिल्कुल देखने जैसी बन रही है एकदम, दिखा देता हूँ मैं आपको। पेड़ मैंने देखा नहीं अभी तक, तो मैंने कहा चलो कैप्चर कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा है इसे झाड़। वापस सब मेले में आ गए हैं, अभी घुमा के लाए हम लोग आपको, वापस मेले में आ चुके हैं हम लोग। लो सुनो, हेलो, इस बालक के साइज का है कि नहीं इस बालक के? अरे यार क्या इसको निराश करके मुझे जंगल में से घसीट के लाया, मुझे लेना है छोटा। चलो ठीक है देखते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग कर लेते हैं यार, कोई बात नहीं। लो सुनो, हेलो, इस बालक के साइज का है कि नहीं इस बालक के? अरे यार क्या इसको निराश करके मुझे जंगल में से घसीट के लाया, मुझे लेना है छोटा करवा लेना। चलो ठीक है देखते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग कर लेते हैं यार, कोई बात नहीं। चलो कितने वाली है? 10 वाली है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। चलो चारों ऊँचे करो ऊँचे करो ऊँचे करो। दोस्त आ गए, देखते हैं सर कहाँ से आप? लालपुरा से हैं, देखते हैं यूट्यूब चैनल, तो इन्होंने कहा कि सर आप कहाँ से? यूट्यूब चलाते हुए देखते ना,
परिचय हो गया इसलिए। ये भी आइसक्रीम खाना दिखा दो इसलिए। घनश्याम जी है हमारे दोस्त। बस ऐसे आ गया और क्या मेला देखने। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं यार। ये उसमें वाले बाबा साहब है जितनी पहले बनाया था, तब चांदन मिले तब कभी मेला बना रहे थे। मेला में यूट्यूब पर देखना आराम से चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही देख लीजिए। अगला नेक्स्ट भाग चौथा भाग आने वाला है, उसको देखिए, उसमें और भी इंटरेस्टिंग मेला आने वाला है, तो देखते रहिए। सुनो, देखते वक्त लाइक कर लिया ना अपने भाई, सब्सक्राइब भी कर लो भाई, पास में दिख रहा बेल आइकन को भी दबा दो भाई।